आदि शक्ति स्वरूप जगत जननी मां अंबिका का पावन नवरात्र पर्व शुरू हो चुका है। मान्यता है कि वर्ष में दो बार मनाए जाने वाले ये पौराणिक उत्सव हिंदू संस्कृति की अमूल्य धरोहर नौ वर्ष के प्रथम दिन यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नौमी तिथि के नौ दिनों में देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। महिषासुर जैसे पापियों का संहार करने के लिए माँ दुर्गा स्वयं पृथ्वी पर अवतरित हुई और पापियों को मारकर अपने भक्तों को भयमुक्त किया। नवरात्र को देखते हुए बाजार में रौनकें बढ़ चली हैं। पूजा प्रसाद की दुकानें में तरह तरह पकवान सज गए हैं। छोटी काशी के नाम से मशहूर गोला गोकर्णनाथ मंदिर परिसर अपनी पूरी सजधज के साथ मां भगवती के आगमन के लिए तैयार है। मंदिर के भव्य सजावट मन को मोह लेती है। छोटी तंग गलियों में नवरात्र के त्योहार के लिए पूजा सामग्री और माता की मूर्तियां, लाल चुनरी, सुहाग जोड़ा, रंग बिरंगी चूड़ियों की दुकानें बरबस की अपनी ओर खींचती हैं। माना जाता है माँ दुर्गा की प्रतिमा नौ दिन के लिए स्थापित की जाती है, इसलिए बाजारों में मिट्टी के कलश, आम्र पल्लव और बंधन वारों की अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल रही है। महिलाओं ने श्रृंगार सामग्री के साथ ही घर की दैनिक वस्तुओं की भी जमकर खरीदारी की। यहाँ के लोगों का कहना है कि पूरे महीने मेले का आयोजन किया जाता है और शोभा यात्रा निकाली जाती है। महाबली रावण द्वारा स्थापित भगवान शिव का वो अद्भुत मंदिर जहाँ चूर चूर हुआ रावण का अहंकार, क्यों लंकापति के हाथों यही स्थापित हुए आदि शिव भोलेनाथ, गोला के भोला की संपूर्ण महिमा जानेंगे आज के इस स्पेशल एपिसोड में। मंदिर प्रांगण में सीधे लाइव प्रसारण में आप देख पा रहे हैं गोला गोकर्णनाथ के नवरात्रि मेले का महाउत्सव। सैकड़ों भक्तगण मंदिर के प्रवेश द्वार से गर्भगृह की ओर प्रवेश कर रहे हैं। ऐसी आस्था, ऐसा प्रेम, ऐसी अनोखी कथा केवल भारत के मंदिरों में ही देखने सुनने को मिल सकती है। जिस देश में हर नारी शक्ति स्वरूपा है, जहां पर पत्थर में आस्था के भगवान बसते हैं, नदियों में मां की ममता बसती है, ऐसा भारत सच में देवभूमि समतुल्य है। यहां के मंदिरों में घंटे घड़ियालों के स्वर सनातन परंपरा से परिचित कराते हैं। माता रानी के श्रृंगार में कोई कमी न रह जाए, इसलिए देर रात तक लोगों ने जमकर खरीदारी की। जहां बच्चों के लिए खिलौनों की दुकानें उनका रास्ता देख रही थी, महिलाओं और युवकों ने भी खरीदारी में जमकर हिस्सा लिया। हालांकि इस बार महंगाई के चलते सामानों के दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं मुस्लिमों के पाक रमजान की वजह से बाजारों में खूब रौनकें पसरी हैं। कपड़ों से लेकर ज्वेलरी, फलों तक दामों में बढ़त दिखाई दी। आगामी माह में चुनाव सरगर्मी के चलते अराजक तत्वों से निपटने के लिए पुलिस बल ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। जय माता दी, सभी भक्तों को जय माता दी। देखिए, कैत और अश्विन दो महीने पड़ते हैं जिसमें माँ के नवरात्र आते हैं। अब कैत का महीना चल रहा है और कल से 9 तारीख से माँ के नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं, तो एक दिन पहले माँ का डोला निकाला जा रहा है नगर भ्रमण पे। माता रानी विराजमान है, पीछे माँ भगवती का डोला आपके सामने चल रहा है और नवरात्र स्टार्ट हो चुके हैं कल से 9 तारीख से। बहुत ही अच्छे दर्शन होंगे यहाँ पे, 9 दिन तक माता के मतलब भव्य फूल बंगले के दर्शन आपको माँ भगवती मंदिर में मिलेंगे और नौमी के दिन यहाँ पर 56 भोग के दर्शन मिलेंगे आपको। सभी लोग आए और माता रानी के दर्शन कर पुण्य लाभ कमाए। जय माता। जाना हुआ है और क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा मीना देवी नाम है। हम दानापुर से आए हैं, पटना से आए हैं। हमें बहुत यहाँ आके हजरप्पा माता के दर्शन करके बहुत हमें खुशी हुआ, बहुत आनंद आया हमें। माँ से क्या कामना की है? हम अपना कामना किए हैं, हमारे बच्चे, पति, सबको माँ स्वस्थ शरीर देवे, मेरे बच्चों को शादी विवाह अच्छा से हो जाए। कैसा लगा आकर के? हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभूति हो रहा है हमको। भैया नमस्ते। नमस्ते। ये बताइए, आप लोग मंदिर रेगुलर आते हैं दर्शन करने? जी। जैसा कि अभी आपसे जब बात हुई थी तो आपने बताया था कि ये जो मंदिर है ये छोटी काशी के नाम से जाना जाता है और माता सती को ही पार्वती का रूप और माँ दुर्गा का ही रूप जाना जाता है। जी मैम। तो मंदिर के सजावट को लेकर के और नवरात्र को लेकर के आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं? दर्शकों को यही बताना चाहिए, जैसे कि आपने मंदिर का देखा भी है सजावट जो है, और ये जो भगवान शिव यहाँ पे छोटी काशी, मतलब ये छोटी काशी के नाम से फेमस हैं। और जैसे कि कल माँ दुर्गा घर घर विराजमान हो रही हैं, कलश स्थापित हो रहे हैं, और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि माँ
माता सभी के कल्याण की रक्षा करें, मैं सभी के कल्याण की कामना करता हूँ। और बहुत ही अच्छा धूमधाम से यहाँ पे नवरात्रि मनाया जाता है। माता का विशाल जागरण भी यहाँ पे किया जाता है और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं? मैं रहने वाला तो लखीमपुर का हूँ। अच्छा। और इस समय गोला में मैं पोस्टेड हूँ। अच्छा भैया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ, इस समय गोला में पोस्टेड हूँ। अच्छा भैया, आप लोग क्या काम करते हैं? मैं एक RSPL कंपनी है तो उसी में जॉब करता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, चलिए आप लोगों से मिलकर के बहुत अच्छा लगा। बाकी मंदिर की भव्यता को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ये मंदिर कब बना था और ये मतलब ये छोटी काशी के नाम से मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, इसका भी कोई रीजन होगा ना? रीजन तो जरूर होगा। जैसा कि मुझे इतना तो नहीं पता है क्लियर कि ये कब स्थापित हुआ था, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि यहाँ पे भारी मात्रा में लोग यहाँ पे आते हैं और जैसे कि लोग यहाँ पे शिव जी की पूजा करते हैं और यहाँ दिन पर दिन इसकी मान्यता बढ़ती ही जाती है। जैसे कि इसको छोटी काशी का रूप दिया गया है, जैसा कि ये रावण के द्वारा स्थापित शिवलिंग है और यहाँ पे ये छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है। जी, आपने भैया बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय दिया हमको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कुछ चर्चाएं की। नमस्ते। नमस्ते। वसंत नवरात्रि के पावन पर्व पर देश के कोने कोने में माँ दुर्गा के विविध रूपों की पूजा अर्चन बड़े धूमधाम से की जा रही है। कलश स्थापना के साथ पूरा देश शिव भक्ति की आराधना में लीन दिखाई दे रहा। झारखंड के सिद्धपीठ रजरप्पा में कलश स्थापना के साथ शुरू हुई वासंतिक नवरात्र प्रथम दिन की गई मां शैलपुत्री की विधिवत पूजन अर्चन। मथुरा में भी मां भगवती का डोला निकाल भक्तों ने नवरात्रि पर्व की शुरुआत की। आचार्य श्री राघवेंद्र शास्त्री जी ने नवरात्र को लेकर विशेष जानकारियां दी। आइए देखते हैं देश के हर हिस्सों से नवरात्रि पर्व के कुछ अनुपम झांकियां। मथुरा के कोशीकला में आज राज राजेश्वरी मां भगवती एवं विघ्नहर्ता गणेश का डोला निकाल नवरात्रों की शुभारंभ की गई। कोशीकला को यूं ही नहीं कहा जाता उत्सव नगरी, यहां पर साल काफी धार्मिक आयोजन होते रहता है। इस बार भी नवरात्र को लेकर कोशीकला में काफी मंदिरों में धूम देखने को मिल रही है। नवरात्र प्रारंभ होने से पहले राज राजेश्वरी मां भगवती का डोला निकाला गया, जिसके साथ साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश की झांकी भी निकाली गई। 10 महाविद्यालयों में अपना विशेष स्थान रखने वाले जगत जननी माँ छिन्नमस्तिके के परम दरबार में वासंतिक नवरात्र के पावन मेला में विधिवत मंत्रोच्चार के बीच कलश स्थापित किया गया। इस दौरान पूरे विधि विधान के साथ झाल मंजीरी और माता के उद्घोष्य भगवती का पूजन किया गया। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने बताया कि इस परम दरबार में आने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। TGN24 परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। देवी भक्तों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है आज नवरात्रि का प्रथम दिन है और इस वक्त हम कोशीकला की राजराजेश्वरी मां भगवती मंदिर पर खड़े हैं। इस वक्त आप देख सकते हो लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहले नवरात्रि पर मां भगवती के दर्शन करने आए हैं, जो कि भक्तगण द्वारा बर्फीले पहाड़ बनाए गए हैं और नीचे ठंडा पानी चलता हुआ नजर आ रहा है। कितनी संख्या में श्रद्धालु 6 बजे से लेकर अब 9:30 बज चुके हैं, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मेरे पीछे आप देख रहे हो कितनी भीड़ है, काफी संख्या में श्रद्धालुगण माता रानी का आशीर्वाद लेने आए हैं, माँ के दर्शन करने आए हैं, क्योंकि आज शैलपुत्री का दिन है। आज माँ की प्रथम देवी शैलपुत्री है जिसका लोग दर्शन करने आ रहे हैं। इस टाइम हजारों की तादाद में श्रद्धालु लेन में लगे हुए हैं। इस प्रकार यहाँ पर 9 दिन तक ऐसे आयोजन होंगे और नौमी वाले दिन यहाँ पर 56 भोग का भी आयोजन किया जाएगा। सभी देशवासियों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है नवरात्रों की धूम शुरू हो चुकी है। कोशीकला को उत्सव नगरी यूं ही नहीं कहा जाता क्योंकि यहाँ पर उत्सवों का मेला लगता है। आज राजराजेश्वरी महाभगवती मंदिर पर फूल बंगलाओं का आयोजन किया जाएगा। आपने देखा था कल भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी का डोला निकाला गया, साथ साथ मां भगवती की भी सवारी निकाली गई, जिसका शुभारंभ हमारे कोशीकला के रामलीला संस्थान के मंत्री मुकेश जैन भट्टा वालों ने किया था। इसके साथ साथ लाखों की संख्या में भक्तगण उसमें चल रहे थे और मां के जयकारे का लगा रहे थे। आज कोशीकला के हर मंदिर पर नवरात्रों की धूम देखने को मिलेगी, चाहे वो देवी का मंदिर हो चाहे वो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर हो। यहाँ पर
माँ पथवारी मंदिर पर भी फूल बंगलों का आयोजन किया जाएगा। अपने साथी सुरेंद्र अग्रवाल के साथ मनीष अग्रवाल की रिपोर्ट।